और नाज़रीन सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों मनशिया फरोशों के गिर्द शिकंजा मजीद कसने और टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे, इनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम करेंगे। शर्जील मेमन ने सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को सराहा और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मनशियात फरोश मुल्क को कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है, इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोशों और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुलिस के काबिल अफसरान और जवानों को डेपुटेशन पर महकमा एक्साइज में लाया जाएगा। इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान और मुखबरों को इनामात देने का भी फैसला किया गया। इजलास में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मुंतकली बायोमेट्रिक के तहत करने की तजवीज़ भी दी गई।